उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का खास प्रदर्शन नहीं रहा, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफी सारी सीटें गंवाकर भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव में SBSP और RLD भी बीजेपी को खास फायदा नहीं पहुंचा पाए। बीजेपी ने प्रदेश के चुनाव में पिछले वोट बैंक को साधने के लिए NDA का विस्तार करते हुए SBSP और RLD जैसे दलों को शामिल किया था, पर दोनों दल कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। यही हाल NDA के दो पुराने अन्य सहयोगी अपना दल S और निषाद पार्टी का भी रहा। तो यहां पर आपको बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में नाकाम रहे ओम प्रकाश राजभर, बड़े कुर्मी चेहरे के तौर पर अनुप्रिया पटेल भी यहां पर नाकामयाब रहीं। अपने कोटे की रॉबर्ट्सगंज सीट हार गईं, प्रभाव वाली प्रतापगढ़ फतेहपुर में भी हार हुई, अंबेडकर नगर श्रावस्ती जालौन में भी हार हुई। बीजेपी को इसका फायदा यहां पर नहीं मिल सका। जयंत चौधरी खुशखास नहीं कर सका गठबंधन, अपने कोटे की सिर्फ दोनों सीटें वो जीते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 16 में से 9 सीटें जीती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिर्फ 7 सीटें जीती है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने में नाकाम साबित हुए हैं। संजय निषाद, चुनाव में निषाद पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद हारे, निषाद वोट को जोड़कर नहीं रख पाए। SP की तरफ शिफ्ट हुआ निषाद वोट, चुनाव में निषाद पार्टी का खराब प्रदर्शन देखने को मिला। नतीजों को गौर से देखें तो साफ तौर से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा कारगर और फायदेमंद साबित नहीं हुए। यानी सियासी तौर से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा वोट बटोर नहीं सकी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम में एक तरफ RLD ने जहां पर कई सारे बड़े दावे किए वहीं पर उन्होंने 2 सीटें ज़रूर जीती, लेकिन जब वोट शेयर की बात करते हैं तो वो भी ज़्यादा कारगर होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी के तौर पर काम करते रहे? कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी समर फतह करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर SP के साथ जाने वाले ओम प्रकाश राजभर को दोबारा NDA में शामिल किया था। राजभर के ही प्रयासों से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मंत्री पद छोड़कर SP में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान की भी दोबारा बीजेपी में वापसी कराई गई थी। इसी तरह इन मौके पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे RLD को भी तोड़कर बीजेपी ने NDA को पाले में कर लिया, जबकि अपना दल S 2014 से और निषाद पार्टी 2019 से ही NDA का हिस्सा है। यही नहीं, बीजेपी ने NDA के सभी सहयोगियों को सीटों में हिस्सेदारी दी थी। SBSP तो एक अपना दल S और RLD को 2-2 सीटें दी गई थीं। वहीं संजय निषाद के सांसद बेटे प्रवीण निषाद को दूसरी बार संत कबीर नगर सीट से उतारा गया था, लेकिन सहयोगी दलों का सहयोग बीजेपी को नहीं मिल सका। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम सहयोगी दलों का जनाधार अब पहले जैसा नहीं रहा। इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है लगातार सड़क से लेकर के सदन तक PDA परिवार की लड़ाई, PDA की आवाज, दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई जो है वो सदैव लड़ता रहा है। और जब से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ये लोग घटक दल बने, इन्होंने PDA की रफ्तार को उन्होंने धीमी करने का काम किया। इनको ना दलितों से, ना इनको गरीबों से, ना नौजवानों से, ना PDA से, ना शोषितों से इनको कोई वास्ता नहीं रह गया। इन्होंने उनसे बहुत दूरी बना ली, जिसका खामियाजा आज की तारीख में इनके चाहे संजय निषाद जी की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने दिखा दिया। गैर यादव पिछले वोट बैंक को रोकने में विफल रहे पिछड़े नेता। बीजेपी को उम्मीद थी कि इन पिछड़े चेहरों के सहारे गैर यादव OBC वोट बैंक को अपने पाले में खींचने में मदद मिलेगी, लेकिन चुनाव परिणाम ने इन नेताओं के दावे को बेनकाब कर दिया।
चुनाव परिणाम को देखा जाए तो इनके प्रभाव से अधिक दुष्प्रभाव ही सामने आया। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी का सिंबल बदलने का फैसला किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आने वाले समय में छड़ी एसबीएसपी के चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। सिंबल बदलना है, बोलो कितने लोग तैयार आज से हम लोगों को अब छड़ी अपने दिमाग से निकालना है, ठीक ना? अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना। अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव आयोग का जो फ्री सिंबल घोषित होता है उसमें से हम लोग बैठ करके चिंतन करके उस सिंबल लेके आ रहे हैं जल्दी एक महीने के अंदर, तो फिर उसका हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग कई चुनाव में इसको झेले हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर को सलाह दी है। अनिल राजभर का कहना है कि ओपी राजभर को अब सही मायनों में मंथन करना चाहिए। राजभर समाज के लोगों ने उनसे दूरी बना ली है। घोसी में निर्दलीय प्रत्याशी लीलावती राजभर को 45,000 राजभर के वोट मिले। बलिया में हमारे प्रत्याशी नीरज शेखर महज 15,000 वोट से हारे, ऐसा क्यों हुआ उन्हें सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उनके बेटा को मिला है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के सम्मानित नेताओं ने दिन रात प्रयास किया है। ठीक से अगर वो समीक्षा करेंगे तो उनको ये समझना चाहिए कि स्वयं हमारे समाज के लोगों ने उनसे दूरी क्यों बनाया। लीलावती राजभर जो निर्दल चुनाव लड़ रही थी, 45,000 वोट उनको मिला है। ये 45,000 लोग जो हमारे समाज के हैं, राजभर समाज के हैं, उन्होंने क्यों दूरी बनाया, ये आत्मचिंतन का विषय है। जहूराबाद से वो विधायक हैं, गठबंधन के हमारे प्रत्याशी नीरज शेखर जी वहाँ 15,000 के वोटों से करीब हारे हैं चुनाव। ऐसा क्यों हुआ, इस पर सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर पर निशाना साधा। एसपी का कहना है कि ओपी राजभर को सिर्फ अपना सिंबल ही नहीं जुबान पर भी ध्यान देना होगा, वरना जनता उन्हें पूरी तरह नकार देगी। ओपी राजभर जी को मुझे लगता है कि सिंबल के साथ साथ अपनी बोली भाषा पे भी बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जिस तरीके से बोलते हैं उनको उस पर भी बहुत कुछ लगाम लगानी पड़ेगी, उस पर भी बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा उनको। जनता पार्टी के सहयोगी घटक दल बने तब से इनके ऊपर जो है इस प्रकार के बादल लगातार छाए रहते हैं, और आज की तारीख में तो इनका बेटा, इनका खुद का बेटा जो बुरी तरीके से समाजवादियों ने वहाँ पर घोसी में इनके बेटे को जिस तरीके से हराने का काम किया, तो इस तरीके के सवाल जवाब उठने तो लाजमी है। इस तरीके की अंदरखाने में बहुत सी चर्चाएँ चल रही हैं कि ओपी राजभर जी को जो है मंत्रिमंडल से लोग बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा हो रही है, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजनी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी क्षेत्रवार प्रत्याशियों के साथ उन्होंने मीटिंग की और वजह जानने की कोशिश की। आखिर उत्तर प्रदेश में परिणाम मन मुताबिक क्यों नहीं आए। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी ने जिस विजय रथ को रोकने में सफलता पाई, 5 सांसदों वाली पार्टी ने जिस तरह सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए, उस परिणाम पर मचे घमासान के बाद बीजेपी में इंटरनल फीडबैक लिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्रवार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर कैसे चुनावी परिणाम उलट आए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा की सीटों पर हार हुई है, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उन लोकसभा की सीटों की समीक्षा शुरू कर दी है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत पूरे उत्तर प्रदेश में कम हुआ है
उस कम हुए वोट प्रतिशत को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा शुरू की है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के हारे हुए सांसद, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी दो स्तरीय जो समीक्षा कर रही है उसमें हारे हुए जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के उनसे बातचीत कर रही है। चुनावी परिणाम को करीब 10 दिन हो चुके हैं लेकिन बीजेपी अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि उम्मीद से इतर प्रदर्शन पर मंथन लगातार चल रहा है। क्षेत्रवार बीजेपी प्रत्याशियों के साथ बैठक हो रही है। चुनाव में खराब प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी गई है। प्रत्याशियों के अनुभव सुझाव पर मंथन चल रहा है। यूपी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर यूपी बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ समीक्षा कर रही है। राजधानी लखनऊ में ये मीटिंग हो रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हार की वजह के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक संगठन के, जो हमारी संगठन की व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहे अयोध्या हो या रामपुर, आजमगढ़ हो या जौनपुर, बीजेपी हर सीट पर हार की समीक्षा कर रही है तो एनडीए के सहयोगी दल इस परिणाम को विपक्ष की नकारात्मक राजनीति मान रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग एनडीए के साथ आए थे उस उद्देश्य की पूर्ति का चुनाव था कि मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बना था, उसमें हम लोग कामयाब हो गए। एक सीटें कम आई उसके लिए दुख है और निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है और उस पर समीक्षा शुरू हो गई है और धीरे धीरे जो कमियां हैं उसे सुधार किया जाएगा, आगे जीता जाएगा। और एक देशी हमारे यहाँ कहावत है कि कभी कभी बबूल के पेड़ के नीचे भी आम मिल जाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बबूल आम फल दिया है। समय आएगा, आगे एक नरेटिव सेट करके, झूठ बोल के, झूठ प्रपंच करके, जिस तरीके से लास्ट आवर में है एडिट वीडियो करके, तो उसका फिर जनता समझेगी। जातिवाद का जहर जो है भारी पड़ा। भारतीय जनता पार्टी कोई एक संसदीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की, हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी इस पर जरूर गंभीरता से लिया है। हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के जो निर्देश आएगा उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। वजह जो भी हो लेकिन मसला गंभीर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन भले ही खराब रहा हो लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव से कमबैक कर चुकी है वो बीजेपी को परेशान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी की कामयाबी के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तानाशाही से सरकार चलाई, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, जनता ने मैसेज दे दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लंबे समय तक चलेगा, उपचुनाव ही नहीं हर चुनाव में गठबंधन की तरक्की होगी। आज मदरसा यूनिफॉर्म में माशाल्लाह हमारे उलमाए इकराम ने, हमारे सदर साहब ने और मौलाना तंजीम हसन साहब, सब लोगों ने एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा है। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, एहसान मान लिया कि उन्होंने इस मौके पर मेरी कामयाबी के उस पर जो ये रखा है, यकीनन ये मेरे लिए फख्र की बात है और मुझसे उन्हें बहुत उम्मीद है, वाबस्ता है। मेरी कोशिश यही है कि क्योंकि दादाजी का भी यहाँ से एक अहम हमेशा जुड़ाव लगाव रहा है।